शांति अमृत वेले का महत्व। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करूं कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं, संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति में रहना है। यह व्रत लिया है ना, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे। यह भी व्रत लिया है ना, जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, वह वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थ रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि स्थिति एकरस अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल को बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो, बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में नहीं में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, वह मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होगा। परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो।
यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः है, सहज रीति करते रहते हो तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो। तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। विधि पूर्वक चलो, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे। उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोच कर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होगा। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो, खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में
कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना, यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान, यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।